तो अभी गाइज हमारी एक्ट्रेस पहुंचने वाली है। अभी मेरे को बताया नहीं कौन है, तो हम सोचते हैं उनके साथ में प्रैंक करने का तगड़े गुड वाला। मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी अभी जस्ट उठाऊँ मैं, सुबह के बज रहे हैं 4, अलार्म बजा, मैं कैमरा उठाया, ब्लॉग स्टार्ट किया, बिकॉज आज मेरे को जाना है देहरादून अपने न्यू म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए। तो जल्दी से उठते हैं, रेडी होते हैं और फैमिली को रेडी करते हैं। मम्मी, पीयूष, कुनाली, मैं और शायद निर्मल, शायद सहल नहीं जा रहा। तो चल चल जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और चलते हैं भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उठ गया मैं, जल्दी जल्दी सबको उठाते हैं। चलो पीयूष, कुनाली, चाची उठो, 4 बज गए। कुनाली उठो, चलना है ना, उठो फिर उठो। भाई कुनाली पहली बार सुबह सुबह 4 बजे उठ गया देखो भाई। लेकिन पापा जी नहीं जा रहे बिकॉज ओरियो के साथ में रहना पड़ेगा एक जने को, तो पापा जी और ओरियो घर पे रहेंगे। बाकी सभी जा रहे हैं क्योंकि ओरियो के साथ में रहना पड़ेगा। ओरियो को ले जा सकते हैं हम ऐसे तरह ट्रैवलिंग कर सकते हैं, शूट पे जाने ना। एक्चुअली आज हमारा प्लान है हरिद्वार भी जाने का। रास्ते में हरिद्वार आते हैं ना, हरिद्वार रुक जाएंगे 2-3 घंटे, वहीं गंगा जी में स्नान करके सारे पाप वाप धो के अपने तब जाएंगे शायद देहरादून हम। गाइस एक दिक्कत होगी, 6 लोगों को नहाना है लेकिन बाथरूम एक है, तो टाइम लग जाएगा अब तो नहाने में। नींद आ रही है तो उठे क्यों फिर? नींद आ रही तो ये बाथरूम में कोई नहाने गया, इतने में सबके लिए चाय बनाया था। गाइस पोपट हो गया, पूरे आधे घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने नहाया, अभी तीसरा बंदा गया नहाने के लिए और मैंने अभी तक नहीं नहाया, मैं चाय बनाने में रह गया बस। भाई मुझे लग रहा है 3 बजे उठाना चाहिए सबको, 3 बजे, 4 बजे हम लेट हो गए। आगे से 3 बजे उठाऊंगा, आगे से 3 बजे, ठीक है? आगे से 3 बजे। मैं तो सो ही मत, कीर्तन भजन करो, सुबह उठ के चल दो। हाँ यार पापा जी का आइडिया भी सही, पापा जी कह रहे सोयो मत। आइडिया तो पापा जी का भी सही है, उसकी सो मत। पापा जी मस्त आइडिया देते हैं भाई। तो मम्मी जी ने साड़ी डाल ली है भाई, मैं तो मम्मी को बोलता हूँ मम्मी साड़ी डाला करो जहाँ भी जाते हो, साड़ी में ना लगता है पहाड़ी औरत है, मतलब इतना अच्छा लगता है, तो इसलिए मम्मी ने साड़ी डाल दी, मम्मी मेरी बात मानती है। तो भैया मैं अभी नहा के रेडी हो गया हूँ, फिलहाल चाय पीते हैं और चलते हैं। नहा नहीं रहा क्यों? पीयूष का तो अलग ही स्वैग है, बिना नहाए जा रहा है मस्त। ये देखो इसका जुगाड़, सिर्फ सिर धो रहा है सीधा नल के नीचे। चलो तिलक लगाने का टाइम आ चुका है, तो ये रस्म पापा जी करेंगे क्योंकि पापा जी नहीं जा रहे ना, बाल बड़े हैं थोड़ी दिक्कत होती है। जय हो, जय भगवान जी, सबको सुखी रखना। सुनो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपने अपने बैग ले आओ, अपने अपने बैग लेके आओ, 5 बजे जाने वाले थे, देखो पूरे 6 बज गए, देखो पूरे 6। तो गाइस बाहर उजाला हो चुका है, निर्मल भैया भी आ चुके हैं, आते ही गाड़ी की जाँच कर रहे हैं। उल्टी की दवाई खा ली? उल्टी की दवाई खा ली? मैंने नहीं खाई बेटा। क्यों? यहाँ को थोड़ी होगी उल्टी। अरे यार मम्मी फिर उल्टी होगी ना, यहाँ पर नहीं होती। आपने खा ली उल्टी की दवाई? हाँ, इसलिए तो खा ली। ओरी और पापा जी को बाय करके चलते हैं। बाय ओलू, बाय ओलू, तेरी बहुत याद आएगी। गुस्सा गुस्सा। तो गाड़ी अपनी रेडी है, गाड़ी में सभी बैठ चुके हैं, चलो बाय। ओरू बाय। भाई घर से निकलते हमको मंदिर दिखता है। कुनाली ने उल्टी कर दी गाड़ी में उल्टी कर दी। उतरो भाई उतरो, सारे उतरो। तो अब गाड़ी साफ करेंगे, अंदर से गाड़ी धोएंगे बिकॉज अंदर बदबू ही बदबू हो गई है पूरी यार, गाड़ी है अजीब सा हो गया। अब मेरा मन भी अजीब सा हो गया। ये बताओ गाड़ी में क्यों करी, बताया क्यों नहीं पहले, उल्टी आ रही है पहले क्यों नहीं बताया, मैं गाड़ी रोक देता ना अच्छे से। तो गाइस मम्मी भी उतर चुकी है भाई, अब एक एक करके सभी को मेरे को भी होगा। हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पे रुके ढाबे पे कुछ खाने के लिए। कुनाली और मम्मी की हालत खराब हो गई है, तो नॉर्मल दाल रोटी चावल मंगाया हमने, यही खाते हैं और चलते हैं। पेट भर गया आपका? चलो तो गाइस मस्त सबका खाना पीना हो गया, अब चलते जल्दी सीधा यहाँ से। तो गाइस फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं, सामने दिख रहे हैं आपको पहाड़, ये सारे हरिद्वार के पहाड़ हैं। और ये देखो भाई गंगा नदी को, मतलब मिट्टी वाला पानी बेसिकली। तो आज हम अपने पाप नहीं धो पाएंगे गंगा नदी में, क्योंकि क्योंकि बारिश से बहुत तेज नदी आ रखी है, हम बह सकते हैं उसमें, पाप बहाने के चक्कर में खुद ही बह जाएंगे आराम से। तो गाइस ये होटल है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं 2 दिन के लिए, तो अभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस सब आ रहे हैं, तो सबसे मिलवाऊंगा। तो जल्दी से चेक इन करते हैं, चलते रूम में यार। भाई ये देखो इन दोनों भाइयों को पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों भाइयों का। तो गाइस फाइनली हमको अपने कार्ड मिल चुके रूम के, चेक इन हो चुका है। तो फाइनली सभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। चलो कौन सा रूम है? तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और सबसे पहले हम पहुंचे, ना डायरेक्टर पहुंचा, ना प्रोड्यूसर पहुंचा, ना हमारी एक्ट्रेस पहुंची, कोई नहीं पहुंचा है। सबको आने में 2-3 घंटे लगे, इतने सो जाता हूं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह का रूम है, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे बेड है, और ये सब देखो इस तरह का रूम है। तो अब 2 दिन तक मस्त यहीं पे रहने वाले हैं, आज भी और कल भी, तो परसों हम निकल जाएंगे यहाँ से सुबह सुबह। और मैंने विनीत भाई से मुंबई से वड़ा पाव मंगाया है। तो अभी आ चुके हैं मम्मी के रूम में, सही लग रहा है? सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं मम्मी और चाची के रूम में आ गया हूँ और चाय मंगाई, तो चाय पीते हैं, शाम की चाय पीते हैं। चलो तो फाइनली हमारे डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, नितेश त्यागी जी, जिन्होंने हमारे कितने गाने करे, 3 भाइयों वाले दोनों और एक झूठा लगदा। तो ये गाना भी यही डायरेक्ट करने वाले हैं, तो इनको अब कॉस्ट्यूम दिखाएंगे, जो मैं कॉस्ट्यूम लेके आऊँ, कपड़े लेके आऊँ। चलो भाई दिखाते हैं इनको कपड़े सारे। और गाइज इस गाने में हमारी एक्ट्रेस कौन है वो आपको चल जाएगा पता, कुछ ही टाइम में वो आने वाले हैं। पीयूष को पता है कौन है? पता है ना भाई, मेरे को नहीं पता होगा।
तो गाइस विनीत भाई भी आ गए आई थिंक, फोन कर रहे हैं यार से। तो फाइनली हमारे प्रोड्यूसर विनीत भाई आ चुके हैं। अरे कहाँ चुप गए ये रे? अरे कैसे हो भाई? चलो वड़ा पाव खाने चलते हैं पहले, तो भाई भूख लगी है मुझे तो। गाइस ये देखो हमने चटनी कहाँ डाली है, कप में चटनी डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं यार, प्लेट वगैरह है ही नहीं। गाइस कोई भी मुंबई से आ रहा हो ना, मेरे लिए वड़ा पाव ले आना बस। ये देखो भाई क्या टेस्टी लग रहा है भाई। तो भी गाइस हमारी एक्ट्रेस पहुंचने वाली है, अभी मैंने आपको बताया नहीं कौन है, तो हम सोचते हैं उनके साथ में प्रैंक करने का, तगड़े वाला प्रैंक। मतलब उनके रूम में पहले से ही रहूंगा, वो एकदम से रुकेगी से घुसेगी, मैं डरा दूंगा एकदम से। मतलब कुछ ऐसा प्रैंक करते हैं, वो एकदम से देखेगी मैं बैठा हूँ, मतलब कुछ डरावने से। उनके रूम का पहले ही कार्ड ले लेते हैं। चलो भाई की मिल गई है, अब चलते हैं रूम में। रूम में जाके बैठता हूँ मैं, जल्दी से रूम में चलते हैं। आप रूम में रहो, आप दिखने नीचे यार, कुनाली बता देगा। तो गाइस ये रूम है हमारी एक्ट्रेस का, तो देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। पहुंच गए? ओके चलो। भूत लग रहा हूँ अबे यार आप ऐसे कैसे करे यार आपने? नहीं, आपने गलत कर दिया। अबे यार पता ही नहीं था यार, अंधेरे में करना था, पता नहीं। अबे लाइट क्यों ऑन करी? सारा प्रैंक खराब हो गया, विनीत भाई ने लाइट जला दी आती। हम अबे यार लाइट कौन जलाता है यार, पूरा प्रैंक फेल हो गया। क्या था मतलब, आपने अपने मतलब सर की इज्जत गवा दी आपने, फुल बेइज्जती हो गई यार आज। तो गाइस फाइनली हमारे गाने की एक्ट्रेस और हमारा प्रैंक फेल हो चुका है, मतलब खतरनाक। एक्ट्रेस भी फेल हो गई? नहीं भाई मैं पास। प्रैंक फेल हुआ है ना मेरा प्रैंक, मतलब खतरनाक वाली बेइज्जती हुई है मेरी। मैं बैठा रह गया भाई, मतलब लाइट जला दी एकदम से विनीत भाई ने आके। मैं तो अंधेरे में प्रैंक करना था, पता है। मैं खड़ा हूं वहां, मैं कुछ होगा, मैं चिल्लाऊंगा, ये होगा वो होगा। अरे यार चौंका हो गया यार। ओह माय गॉड मैं तो डर गई गाइस, इतना खतरनाक प्रैंक मैंने आज तक नहीं देखा। वाओ सॉरी भाई, मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए वड़ा पाव लाए हैं, ये तो प्रगति के लिए वड़ा पाव लाए हैं। फाइनली प्रगति वर्मा, आप जानते होंगे कितने चैनल हैं, 4-5 चैनल हैं, 10 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 लाख, 2 लाख, कितने 10-12 तो प्ले बटन है। मैं कह रही थी कि जैसा ये व्लॉग में दिखता है ना बिल्कुल वैसे ही, और गाइज ये ना एकदम डाउन टू अंडरग्राउंड है, तो काफी हम्बल इंसान है यार ये, है ना? हाँ सही में। कितने पैसे दिए मैंने? नहीं यार पैसे नहीं दिए इसने, यार पैसे नहीं दिए, पैसे देते तो थोड़ी अच्छी तारीफ करती ना। इनकी वीडियोस भी ट्रेंडिंग में रहती है, हमारी वीडियोस भी ट्रेंडिंग में रहती है, तो हाँ साथ में गाना करेंगे तो भाई मजा आने वाला है। तो गाइस इस बार हम जाएंगे, इस बार तो मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है, नेक्स्ट लेवल शूट होने वाला है। लेकिन गाइस सीरियसली काफी अच्छा लग रहा है मिलके, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, इतना भारी सा कैमरा यार, इसकी ना स्टेबलाइजेशन अच्छी होगी तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो नहीं अच्छी है। तो भी गाइस सभी बैठ चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए, और खाना ऑर्डर करते हैं। चलो भाई लो। तो गाइस यहाँ पे सबकी मम्मी लोग बैठे हैं, प्रगति की मम्मी, डायरेक्टर सर की मम्मी, और ये हमारी मम्मी, और ये पीयूष की मम्मी। तो गाइस शूट पे मेरी फैमिली भी आई है, प्रगति की फैमिली भी आई है, और हमारे डायरेक्टर की फैमिली भी आई है, मतलब हम टोटल 15 लोग हैं भाई। मतलब हम पार्टी करने हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा। तो भी गाइस मस्त डिनर करके आ गए हैं, अब सब सोएंगे और सुबह सुबह हमको निकलना है 6 बजे। उनको बोलना 1 गिलास दूध दे, दूध भेज दो। हाँ, ये इस पे रेस्टोरेंट पे क्लिक करो, हाँ कान पे लगाओ, 1 गिलास दूध कर दो। बोल दिया भाई, तो शर्मा क्यों रहा फिर भाई, आज इतना उछल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो भी गाइस खाना पीना खा के हम आ चुके हैं बाहर, और देखो 11 बज चुके हैं, और अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे थे प्रगति के चैनल के लिए, जो कि हमने कर लिया है, जो कि आप इसके चैनल पे देख लेना, और काफी मतलब काफी खतरनाक वीडियो है, प्रगति कर लिया, खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक, बहुत नेक्स्ट लेवल रूप देखने वालों, तो देखना वो। तो अभी चलते हैं अपने अपने रूम में, अब सुबह मिलते हैं। क्या हुआ? चलो प्रैंक हो गया, पीयूष भी खतरनाक है, प्रगति को उतार दिया और खुद अंदर आ गया, पता नहीं कौन से फ्लोर पे उतार दिया। नो हाथा पाई प्लीज। ओके भाई गुड नाइट। ओके भाई गुड नाइट। तो गाइस फिलहाल पीयूष तो सो रहा है यहाँ पे सही है, तो इसके लिए सोने के लिए, और बाकी हम 3 सो जाएंगे यहाँ पे। तो चलो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, सुबह हमको 4 बजे उठना है, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।